हाजी जी कॉफी बना दो। दूध तो नहीं है। दूध तो था। हाजी जी हाँ तो लेकिन बाकी तो हमने चाय बना ली। एक लीटर दूध की चाय बना ली जी। हाँ वो ही सर दर्द कर रहा था तुमने स्टैंड वाले बना के रख दी आधा आधा घंटा में पी लिए। ये सर है जी जी तो गंदा है। गंदा है जिज्जी साफ है एकदम। तुम्हारा रवैया बहुत गंदा है। ये हर बात में झूठ बोलने का। जिज्जी झूठ नहीं बोल रहा सही में सर दर्द कर रहा था। सर तो बहुत दबा कंधा दर्द करने लगो। फिर तो तुम दबाना बंद ही कर दो। पता चले कंधा दबाते दबाते उंगलियों में दर्द हो गया। कैसे तुम सही रही स्ट्रेचिंग कर ले। अरे क्या कर रही हो स्ट्रेचिंग कर रहे भैया। बाहर जाके करो जो भी कर। व्हाट इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग कर रही थी वो। उसके कंधे में दर्द हो रहा है यार। तुम बता ना तुम्हारी जिम रेनोवेशन की मीटिंग कैसी रही। अरे बहुत अच्छी यार कविता। क्या आइडियाज है। क्रेजी क्रेजी हेजी हेजी मतलब बड़ी बड़ी आंखें पर विजन जीरो। खैर तुम ये सब छोड़ो ना। पता है मुझे लिफ्ट में कौन मिला। कौन। ध्रुव के पापा। क्या नाम है उनका। हाँ क्या नाम है। नानी का नाम चंदा है ना। राकेश तो कुक है। हाँ। तारा वो तो उनकी वाइफ है ना। अरे ध्रुव के पापा ही है उनका नाम। छोड़ो ना। हाँ। हुआ क्या। पता है ध्रुव के पापा के हाथ में क्या था। ध्रुव ध्रुव ने ध्रुव के स्कूल एडमिशन फॉर्म्स है। पर ध्रुव तो जहान से भी 6 महीने छोटा है ना। 6 नहीं बेबी 9। हमें देख के तो इंस्पायर हुए थे और अब देखो अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं। पता है आजकल लोग बच्चा पैदा करने के पहले स्कूल एडमिशन की प्लानिंग कर लेते हैं। अभी हमें इंस्पायर होना है। वी आर लेट। चलो कोई बात नहीं हम अभी इमीडिएटली शुरू कर देते हैं। मुंबई में तो बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं। अच्छे नहीं बेबी सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा हमारा जहान। आखिर बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। एक बड़ा सा प्लेग्राउंड तो डेफिनेटली होना चाहिए। यस स्पोर्ट्स तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और साथ में फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। फैकल्टी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर गुड क्वालिटी एजुकेशन विद द बेस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। गुड पॉइंट। आई एम इंप्रेस्ड वीवी। थैंक्स। बट डोंट वरी अबाउट दैट। वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। जहां तो आईसीएसई में ही जाएगा। डेफिनेटली लेकिन आई थिंक दो लेटर तुमने गलत बोल दिए। आईसीएसई नहीं सीबीएसई में जाएगा। व्हाई सीबीएसई। बिकॉज़ सीबीएसई इज द बेस्ट। उसका बाप सीबीएसई में गया वो भी सीबीएसई में जाएगा। एंड सीबीएसई गिव्स यू अ प्रोफाउंड लर्निंग एक्सपीरियंस। और माँ का क्या जिसने उसे जन्म दिया है। माँ तो एक्स आईसीएसई पास आउट है ना। ICSE believes in a comprehensive, integrated and wholesome approach towards a child's education. लेकिन कहावत क्या है? बेटा बाप के नक्शे कदम पे चलता है। अब अंबानी के बेटे को ले लो क्या कर रहा है। बाप का ही धंधा संभाल रहा है ना। अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेट ही खेल रहा है। अभिषेक बच्चन क्या कर रहा है। ऐश कर रहा है। जो कि मेरा जहान करेगा जब मेरे नक्शे कदम पे चलेगा। वाह ऋषि वाह। थैंक्स। तुम्हारी इस घटिया आइडियोलॉजी से पता चलता है तुम्हारी स्कूलिंग के बारे में। तुम्हारा बोर्ड डिसाइड करता है ये चीज कि तुम बड़े होकर किस तरह के इंसान बनोगे। और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि जहान बड़ा होकर इतनी छोटी सोच रखे। इसीलिए वो आईसीएसई के नक्शे कदम पर ही चले। I don't agree. तो फिर क्या करें। Well, ICSE से तो बेटर है घर पे पढ़ ले होम स्कूलिंग। What? तुम पागल हो क्या। अब तो मुझे पागल को ही असन की। ICSE तो नहीं होगा। सीबीएसई भी नहीं होगा। अरे जिज्जी भैया कह रहे तुम लोग इसी बी सी किसी बीसी। अरे ए बी सी डी होते ए बी सी डी पढ़े। वो क्या सोचा है ब्रो जिम के रेनोवेशन के बारे में। सॉर्टेड। जकूजी स्टीम सोना रिफॉर्मर पिलाटेस मसाज रूम फिजियोथेरेपी किसी का बजट नहीं है। अब तुम जिम के बजट को छोड़ो और घर आ जाओ डोमेस्टिक बजट पर। बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। स्कूल का बजट डिसाइड करना है तभी तो हम स्कूल शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे। बोर्ड तो बाद में डिसाइड होगा। वैसे तो ICSE होगा। ओह आईसी एसई आईसीएसई। वैसे मेरे काबिल दोस्त आप भूल रही हैं कि आप एक फ्यूचर डेटा साइंटिस्ट से बातें कर रही हैं। और मेरे डेटा एनालिसिस के मुताबिक अगर जहान को एक रेप्यूटेड स्कूल में भेजना है जो हमारे घर से 5-6 किलोमीटर के रेडियस में हो बिसाइड्स स्कूल फीस बुक्स बस यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन सब का खर्चा साल का अप्रोक्सीमेटली 2-3 लाख रुपए। और ये मैं उन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ओवर द इयर्स अच्छा रहा है। फैकल्टी करिकुलम टीचर टू स्टूडेंट रेशियो को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी चॉइस का बोर्ड भी चूज कर सकते हैं जो कि सीबीएसई होगा। अमेजिंग ब्रो क्या बात है। मुझे मालूम नहीं था तू इतना नॉलेजेबल है। सही कहती है सोना। रोहिणी यू आर अ वेरी लकी वुमन। मतलब सल्यूट है इस आदमी को यार। तू कैसे कर लेता है भाई। समीर माई फ्रेंड तू ऋषि से नहीं ऋषि 2.0 से बात कर रहा है। जब से अपग्रेड पे डेटा साइंस का कोर्स शुरू किया ना मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ। आई हैव बिकम अ सुपीरियर वर्जन ऑफ माई सेल्फ।
अच्छा तू ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहा है? हाँ ठीक है, सही है, आजकल तो वैसे ही हर कोई कर रहा है। कर रहा होगा, लेकिन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ अपग्रेड पे है। अच्छा? हाँ, वन ऑन वन मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड डाउट रेजोल्यूशंस एंड इंटरेस्टिंग नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। दोस्त यहाँ से नाम की नहीं काम की डिग्री मिलती है। दिस प्रोग्राम इज रियली हेल्पिंग मी। माय बॉस वाज रियली इंप्रेस्ड विद माय ईयरली इनसाइट्स फॉर अ क्लाइंट। बस अभी अप्रेजल्स में प्रमोशन भी मिल जाए। अच्छा, और भी तो कोर्सेज होंगे ना अपग्रेड पर? ऑफ कोर्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं तुझे लिंक भेज दूंगा, तू चेकआउट कर ले। और वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सही बोल रहे हो। मेरा फोन बज रहा है, एक मिनट। हेलो सर, आपको लोन चाहिए क्या? वी हैव सम वेरी गुड ऑफर्स। हाँ चाहिए ना सर। फोर व्हीलर के लिए या टू व्हीलर के लिए? 16 व्हीलर के लिए, 16 चक्का ट्रक लेना है मुझे, सीमेंट ट्रांसपोर्ट करना है। अबे नहीं चाहिए तो सीधा सा ना बोलना, हमको इधर बैठ के सुबह से 100 कॉल करने होते हैं, आप क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? सॉरी यार। हेलो, यस यू आर राइट, ICSE इज द बेस्ट बोर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एंड होलसम अप्रोच टुवर्ड्स अ चाइल्ड्स एजुकेशन, बेस्ट है। ओए ऋषि मैं जा रहा हूँ, वो सोना का फोन आया था, बाद में मिलता हूँ, बाय। मिल गया तुम्हारा जवाब? वो तो ऐसा कही गई क्योंकि तुम लोग कुएं के मेंढक हो। कुएं से बाहर निकलो मैडम, असली दुनिया वहां से शुरू होती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी शुरू तुमने की है, खत्म मैं करूंगा। Get back to me, madam. Get back to my team. Get back to my lawyers. Okay, madam. Call me. भैया। Yes. जी, तुम्हें भी तनखा देत का? What? नहीं, तुमने मैडम मैडम कह रहे ना, जा से पूछी। जा से? जा। जा 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 जा। तुम्हारे। जा से। बेबी मेरी हैंड क्रीम देखी है क्या कहीं पे? ए जी, वो हाथन पे लगा पे वाली? नहीं, बालों में लगाने वाली। जी, बालन में तो कड़ुआ तेल लगा, तुम्हें कुछ नहीं पता। गलती जीजी की नहीं है, गलती तो। हाँ हाँ, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना, तुम बता दो मेरी हैंड क्रीम कहाँ है? मेरे ड्रॉअर में। मेरी हैंड क्रीम तुम्हारे ड्रॉअर में क्या कर रही है यार? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? भूख लग जाती है भाई कभी कभी। और ये ठंड लगती रात को। एंड चॉपस्टिक्स? भैया यही तो ढूंढ रहा था। गॉड, सो मेसी यार। हम क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं बेबी, द मेस इज वेयर आवर जीनियस लाइज। मेस हैज नथिंग टू डू विद क्रिएटिविटी बाय द वे, लेकिन उससे स्कूलिंग जरूर पता चलती है। मेरे स्कूल टाइम पे मेरा बैग इतना ऑर्गेनाइज्ड होता था, मतलब शार्पनर्स, पेंसिल्स, रेजर्स, पेन्स, नोटबुक्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो मैं कबर्ड दिखाती हूँ अपना। एक्चुअली क्या है ना, ये सब आदत की बात है और अच्छी आदतें स्कूल में ही लगती हैं। तुम्हें जहान की एजुकेशन के बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए, आफ्टर ऑल बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अरे नहीं नहीं, ट्यूसडे को मेरा मैच है, वेडनेसडे का रख। हाँ हाँ कंफर्म, वेडनेसडे भी ऑन, बाय। कब मिल रहे हो तुम अपने फ्रेंड से? वेडनेसडे को। वो जो ट्यूसडे के बाद और थर्सडे से पहले आता है। या वेडनेसडे, सॉरी, द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर इज वेडनेसडे, नॉट वेडनेसडे, बट कोई बात नहीं, एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तुम कहो तो मैं तुम्हें ट्यूशन दे दूं। थैंक्स, लेकिन ट्यूशन का मैं क्या करूंगा, जरूरत तो मुझे ट्यूशन की है, क्योंकि ट्यूशन जैसा कोई वर्ड होता नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा तुमसे ट्यूशन, क्योंकि मैं तो बचपन से ट्यूशन ही ले रहा हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फ्रेंच एक्सेंट में इंग्लिश बोले तो बड़ा रोमांटिक लगता है, स्पेनिश एक्सेंट में इंग्लिश बोले तो बहुत सेक्सी लगता है, इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोले तो हमें बहुत बुरा लगता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अंदर जाओ ना। गूगल इट यार। रूम का पंखा किसने ऑन रखा है? बेबी मैंने चलाया था, क्योंकि पोछा लगा था ना, गीला था। हर स्कूल में सेव इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन उस दिन दीदी ने बंक कर लिया होगा। हाँ मैंने बंक किया था बेबी, एक्चुअली हुआ क्या ना, मेरी एक फ्रेंड का फ्रैक्चर हो गया था तो मैं उसके घर गई थी। क्यों हुआ था पता है? क्योंकि उसने रूम में पोछा लगाया था और पंखा नहीं चलाया था, वो स्लिप हो गई। पंखा ऑन हो या ऑफ, पोछा हो या ना हो, जहान CBSE ही करेगा। ICSE ही पढ़ेगा। CBSE पढ़ेगा। ICSE पढ़ेगा। CBSE। ICSE। You be the neutral party and decide। तुम अपनी निष्पक्ष राय पेश करो और बताओ कौन सही है कौन गलत, मैं सही हूँ या जीजी गलत। भैया तुम लोग बोरड के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्कूल में हमें भेजोगा उतने तो मास्टर ऐसे दीवार पे लिख के पढ़ा देते। अरे बेबी ब्लैक बोर्ड की बात नहीं कर रहे हम, तुम नहीं समझोगी। हाँ जीजी हम नहीं समझे,
लेकिन हम एक बात जानते हैं जिज्जी, कि बड़ो आदमी बनने में और अच्छो आदमी बनने में फ़र्क है। और जे फ़र्क आउत है आदतन से, संस्कारन से, आदर्शन से। अब हम पढ़े नहींगा जैसे हम पढ़े नहींगा, लेकिन हम सही और गलत जानत हैं। हमने आज तक किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करी, कौनों को दिल नहीं दुखाओ, चोरी चकारी नहीं करी। और जे सब शिक्षा हमें मिली हमारे माँ बाप से, जैसे सिर्फ बड़ा नहीं, बड़ा अच्छा आदमी बनना जरूरी है। और जहान बड़ो अच्छो आदमी बने, काय काय कि तुम दो इन लोग अच्छे इंसान हो, हमारी मानो तो चिल्ल मारो। बच्चा के फ्यूचर की ही बात हो रही ना, एक दूसरे के पास्ट पे काय सवाल खड़े कर रहे। That's deeply profound. I'm sorry. You should be. What? I should be sorry. हम लोग अपने बोर्ड्स को लेके इतना टची हो गए, हमने बाकी बोर्ड्स को तो टच ही नहीं किया। हाँ, अगर जहान को फर्दर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है तो IB या IGCSE बोर्ड ज्यादा फायदा करेगा। Exactly. हमें इन सब बोर्ड्स के बारे में पता करना पड़ेगा टू मेक द राइट चॉइस फॉर जहान। बेबी, ये भी तो हो सकता है कि जहान यहाँ रहकर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ ले, बड़ा होकर हो सकता है उसे स्पेशलाइजेशन अपग्रेड से ही मिल जाए, इतनी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। हाँ, फिर वो यहीं रहेगा नजर के सामने, जिगर के पास। डन। तुमने जो टॉप 5 स्कूल्स की लिस्ट बनाई है ना, वो दिखाओ। कम। हाय गाइस। हमें पूरी उम्मीद है कि अपने बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड आप जो भी डिसीजन लेंगे वही बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप लोग फर्दर एजुकेट होना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस करके अपनी जॉब प्रोफाइल और सैलरी को अपग्रेड करना चाहते हैं, then check out UpGrad's range of industry relevant and interesting programs. Yes, to check out the different programs available, click the link below. और आज हमारे पास आपके लिए कोई contest question नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है? Like, share और subscribe. Shitty ideas trending. Yes. अगर contest question नहीं है, तो भी काम आपको करना है. Subscribe जरूर जरूर करना है. तो कीजिए. And this is all of us signing out. Love and peace from us to you. Woohoo!